तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत खूबसूरत जगह है। दोनों साइड में पूरा हरियाली हरियाली है। कहीं कहीं पे देखो यहाँ पे भी मक्का है यार। मक्का का खेती हर जगह होता है। देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत है घर सब। छोटा छोटा घर है लेकिन खूबसूरत घर है। और रोड तो पूरा हरियाली टाइप का लग रहा है देखने में। अपना इंडिया में भी है इससे अच्छा अच्छा जगह लेकिन जा नहीं पाते हम लोग। क्या बोलिएगा, देखो मतलब बहुत जगह ऐसा है कि खेती नहीं हो रहा है, खाली खाली जगह पड़ा हुआ है। देखो ये वाला जगह कितना खूबसूरत है, स्कूल है। मतलब यहाँ पे देखते हैं कि स्कूल वगैरह का बहुत ज़्यादा तादाद है। एजुकेशन लाइन में शायद सबको यहाँ पे बहुत आगे है। छोटा छोटा घर है, मतलब गांव नहीं है। हर जगह जो है ना अलग अलग टाइप का घर है। किसी का दूर में है, अलग अलग टाइप का घर है। मतलब जैसे हमारे इंडिया में रहता है एक ही जगह, मतलब पूरा घना आबादी, तो वैसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। ओहो, तो ये वाला रोड देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। पता नहीं ये कौन सा जगह है, सूरा नाम होगा शायद इस जगह का। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है कि अभी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है तो लोकेशन नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए बता नहीं पा रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे है हैप्पी लैंड पार्क, जहाँ पे वाटर पार्क है और भी बहुत सारे चीज़ है। यार क्या खूबसूरत जगह है अर्जुन। अर्जुन क्या खूबसूरत जगह है, देखते हो। ऐसा लग रहा है कि पूरा नेपाल का ब्लॉग करके लेके जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि पावर बैंक साथ में है तो कैमरा खोल के चार्ज में देना पड़ेगा। मेन बात ये है। तो यहाँ पे दो रास्ता है तो हम लोग को जाना पड़ेगा, इधर इधर से ही जाना होगा। यही तो दिक्कत है, गूगल मैप नहीं मिल रहा है भैया, पूछ के जाना पड़ रहा है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में फिर दिक्कत नहीं होगा। देख सकते हैं कितना खूबसूरत खूबसूरत घर है। और ये तो इतना मोटा आदमी है। ए, मोटा एक रहा, मोटा एक रहा, कलुआ एक नेपाल का गाड़ी भी है उनका। नेपाल का गाड़ी और इसको रियल में बोलता है। ये रहा नेपाल। तो ये पता नहीं कौन सा जगह आ गया है जगह, लेकिन जो भी है खूबसूरत है। यहाँ नहीं पेट्रोल पंप किधर है अंकल? पेट्रोल पंप ये आगे। पहले पेट्रोल डलवाना होगा उसके बाद सोचेंगे। यहाँ पे भी तो गाड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी है, ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं है, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ हैं यहाँ पे भी। स्कॉर्पियो वगैरह बहुत चीज़ है।